एंड गेस हमने किसको बुलाया इस पे बात करने के लिए। हमारे साथ वजीरे मुशीरे खेल मौजूद है, पंजाब के निगरान, और आपको मालूम है वो कौन है? आपको वहाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो व्हेन यू टॉक टू अ प्लेयर हु यू नो हु इज एक्चुअली प्लेइंग द क्रिकेट एट द सेम टाइम एंड गवर्नमेंट का भी वो हिस्सा है, तो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है। फिर यही बात कर रहे थे कि अब हम एज अ प्लेयर पहले बात करते थे, अब हमें एज अ मैनेजर, बट इट्स सच अ गुड फील आई मस्ट से। विकी भाई द मिनिस्टर, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अच्छा वहाब भाई की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा इसको फिक्स कीजिएगा। आई होप कि आप ठीक ठाक है वहाब भाई। सबसे पहले तो जरा थोड़ा सा हमें अगर आवाज ठीक होगी है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट के पीछे माइंडसेट है, क्या थॉट है, और क्यों इसको जरूरी समझा गया है, क्या फायदा होगा इसका यूथ को? एंगेज करना है कि और जो रमजान मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज का आगाज किया जा रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ जी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक हमारे एहसास दिलाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं और जो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। वहाब रियाज साहब ने दोबारा रब्ता, आई होप क्योंकि वहाब भाई आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको फिर फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। और दूसरा ये, बल्कि आप फॉर्मल क्वेश्चन नहीं करते, आप पहले ये बताइए फील क्या हो रही है बीइंग असिस्टेंट टू यू नो चीफ मिनिस्टर, आप स्पोर्ट्स के ऊपर हैं, कैसा लग रहा है आपको एक प्लेयर से एक वजीर बनने तक का सफर? देखिए एक नया एक्सपीरियंस है, बट अच्छी चीज ये है कि देखिए आई वाज बीइंग पिक फॉर काइंड ऑफ स्टाफ के जो हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा हम देखते नहीं, और वो है स्पोर्ट्स। और जो विजन था सीएम पंजाब साहब का वो ये था कि हम लोग क्रिकेट के साथ बाकी जो स्पोर्ट्स है उनको भी हम लोग सपोर्ट करें। सो ये बिल्कुल एक इनिशिएटिव है, और हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग जब ये टूर्नामेंट्स वगैरह करवाएंगे, जो आज से पहले कभी ऐसे टूर्नामेंट हुए नहीं, और हम एक तो उसमें जो इंसेंटिव है वो बहुत अच्छे रखेंगे ताकि हम जो प्लेयर और यूथ है उसको अट्रैक्ट कर सके। देखिए जब तक कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो स्पोर्ट्स की तरफ कोई भी नहीं आएगा। क्रिकेट में आप देखते हैं कि चार्म है, फेम है, लोग पसंद करते हैं, शौक से अपने स्टार्स को देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम भी उनको फॉलो करके हम भी उन जैसे स्टार्स बने। अनफॉर्चुनेटली हॉकी में एक टाइम ऐसा था जब मैं भी जाके फॉलो करता था, लेकिन अब शायद मुझे भी मोस्टली हॉकी प्लेयर्स के नाम नहीं पता हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो जो पेकर्स जो हमारा फोकस था वो ये था कि हम हॉकी को रिवाइव करें, और इस दफा हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री होगा जी पंजाब की कि हम लोगों ने जो इनामात रखे हैं ताकि हम अट्रैक्ट कर सके। जो हॉकी का टूर्नामेंट जीते की टीम उसको 25 लाख मिलेंगे, और जो लूजिंग टीम है उसको 15 लाख मिलेगा। ओके। और इसी तरीके से हम लोग कबड्डी को भी हमने प्रमोट किया है जी, उसमें हम 10 लाख और 5 लाख, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के 2 लाख 1 लाख। तो यू नो ये जो हम इंसेंटिव दे रहे हैं आज से पहले कभी नहीं थे, और ऑब्वियसली ये इन सब बच्चों की सपोर्ट है ताकि जो आज डिविजन से ये बच्चे आए हैं, कल को बच्चे दूसरे बच्चे इनको देखें और उनको ये हो कि यार नेक्स्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट होगा इसमें हम लोग जाए, मेहनत भी करेंगे, आपके पास टैलेंट भी आएगा, और यू नो आपको स्पोर्ट्स में ज्यादा बच्चे जो है वो नजर भी आएंगे कि जो यहाँ पे नहीं सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी काफी कुछ कर सकते। ठीक है। अच्छा वहाब, अभी आपने खुद भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली आप खुद भी क्रिकेट से आप क्रिकेटर हैं, आपको अंदाजा है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर फोकस क्रिकेट पे होता है, और दीगर स्पोर्ट्स का आपने खुद भी मेंशन किया। अब बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली वो बहुत जो कह लें वीक भी हैं, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनको सेट करना, और जो आप लोग ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं 9 डिवीजन पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी की बात करें, हॉकी की बात करें, उनके सेटअप या उन फेडरेशन के स्ट्रक्चर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं इकदाम? देखिए बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, आई नो देयर आर फ्यू इश्यूज जो हम लोगों को एड्रेस करने पड़ेंगे, और वो जब हम सारे टेबल पे बैठेंगे तो सब आई थिंक वो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। देखिए हम बच्चों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो पंजाब की गेम्स है वो डिजिटली जो हमारे एप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और पाकिस्तान में, जिस तरह दराज है, ए आर वाइज ऐप है, तमाशा है, ऐप पैड है,
ये सारे डिजिटल चैनल जो है ये लाइव कवरेज करेंगे, और इसका मतलब ये है कि जो बच्चे खेल रहे होंगे कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, ये सारे बच्चे जो है लोग उनको लाइव देख सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लाइव देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि अपने प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, और हम जब तक अपने प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बन सकते। तो फोकस यही है कि जी अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखेंगे, जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत होगी, उनको एड्रेस किया जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उतना जो है वो जो मसले हैं उनको सॉल्व कर सके और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर सके। पंजाब क्योंकि पंजाब बोर्ड है उसमें हम पंजाब के लड़कों को ज़्यादा हम लोग जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली फेडरेशन अगर हमारे साथ मिलकर चलेगी तो उसको उनका भी फायदा होगा और बच्चों का भी फायदा होगा। बिल्कुल, मुझे वहाँ ये नहीं पता कि केयर टेकर सेटअप का कितना मैंडेट होता है, लेकिन You being a sportsman yourself, क्योंकि आप खुद कई ऐसे नशेबो फराज से गुजरे हैं, बल्कि गुजर रहे हैं, क्या आप बेहतर समझते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में खुशी के लम्हात बड़े कम आते हैं? वो अक्सर तो बेचारा टारगेट ओरिएंटेड चलता है जिंदगी में। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स पंजाब से खास तौर पर और दीगर इलाकों से भी आते हैं, एंड व्हाट द लीस्ट डिमांड इज एक अच्छा जिम। वहाँ वो कहते हैं कि एक अच्छा जिम हमें मिल जाए जिसमें हम ट्रेनिंग कर लें, कुछ बहुत बड़ी डिमांड्स उनकी नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ स्टैंड कर रहा है, बट आप इस वक्त उस कुर्सी पे हैं जहाँ पे कम से कम कोई रिसर्च जरूर कंडक्ट हो सकती है, कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर हो सकता है, क्या ये चीज़ आपके माइंड में है वहाँ प्रयास? ठीक है, बिल्कुल मेरे माइंड में है, हमारे पास फैसिलिटीज बहुत है, लेकिन हम वो जो फैसिलिटीज है ना उनको हम चाहते हैं कि वो बेस्ट फैसिलिटीज हो। वो फैसिलिटीज जो है वो दुनिया के अगर यहाँ की कुछ जिम है या जो प्लेयर्स का जिम है वो ऐसा जिम हो जो दुनिया में वो कहीं पर भी जाए तो उनको ये ना हो कि यार हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। सो वी वांट टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट, ग्रेट, वांट टू प्रोवाइड विद द बेस्ट। तो हमने बिल्कुल बात की है इन चीज़ों के ऊपर, स्ट्रक्चर पे हमारी बात हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा एक जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हम लोग इनॉग्रेट करें, और वो इनॉग्रेट करके वहाँ पे हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो आए, एथलीट्स आए, वो आए ट्रेन करें ताकि उनको कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। जरूर, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा है उसमें बिल्कुल चीज़ें जो है एफ आई एस के एज ए स्पोर्ट्समैन तो हाँ चीज़ें अब तो दिमाग नहीं है, बट हम लोगों को ये काम करना, सो हम लोगों ने इस पर बात की है और हम कोशिश करें कि फैसिलिटीज हमारे पास पूरे पंजाब में, आप कहीं पे भी चले जाएंगे आपको हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, इन सबके जो है वो हर एक ग्राउंड वगैरह मिलेंगे, कोर्ट मिलेंगे, लेकिन उनको वर्ल्ड क्लास कैसे करना ताकि हमारे बच्चे जब जाए तो उनको उस चीज का एक्सपोजर मिले, उसको पे काम करना बहुत जरूरी। चले, वी ग्लैड कि आपके नॉलेज में है ये बात। अच्छा बाब, एक और सवाल, ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ प्लेयर्स से मिल भी रहे हैं जब से आपने ओहदा संभाला है, और आपने मुख्तलिफ जो खेलें स्पोर्ट्स के प्लेयर्स से मुलाकात भी की है, कॉमनली क्या मसाइल हैं प्लेयर्स को जब वो इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाते हैं या रिप्रेजेंटेशन भी होती है उनकी, कुछ ऐसी चीदा चीदा चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकें और जिनको आप सॉर्ट करने के लिए एज अ केयर टेकर सेटअप उस पर इनिशिएट भी कर सकते हैं? देखिए मैं आपके बाबत हमारी प्लेयर से बिल्कुल मुलाकात हो रही है और हम चाह रहे हैं कि हम बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करें। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लाहौर से खेलने का मौका नहीं मिला, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि मुझे हैदराबाद जाके खेलना पड़ा, क्रिकेट का इतना टैलेंट था कि लाहौर की टीम ने मेरी जगह नहीं बनाई। ठीक है, फिर देखिए जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ठीक है जी, हम लोगों ने भी घर बार छोड़े, ऐसे होटलिंग की पानी नहीं मिलता था पीने को सही तरीके से, तो ये सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है स्पेशली एक स्पोर्ट्समैन की। लेकिन क्रिकेट को इतना फर्क इसमें मिला कि जब हमने देखा कि आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई। जब वो इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई तो अगर कोई बच्चा पाकिस्तान नहीं खेल रहा और वो इतना केपेबल था कि वो किसी और लीग में दूसरी टीम में उसको पिक कर ले और वो वहाँ पे खेले, तो उसका एक घर का सिस्टम या एक अपना जो है वो उसका एक सिस्टम जो है वो चलता रहता है। सो बेसिकली इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि अगर दुनिया में क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर है, फुटबॉल भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाकी टीमें बाकी जो स्पोर्ट्स है सॉरी उसमें हम लोगों को लीग सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। बेशक हम एक छोटे लेवल पे करें लेकिन वो लीग सिस्टम होना चाहिए। फिर हर एक साल मैं इस चीज़ से बलीज करता हूँ कि आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए हर साल का कि आपके प्लेयर्स को पता हो कि यार इस महीने में हमें क्या क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी अचीवमेंट क्या है, ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर।